गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी फूड किचन। आज मैं लेके आई हूँ सप्तमी पूजा, दुर्गा पूजा फर्स्ट डे ब्लॉग। तो आप लोग तो जानते हैं दुर्गा पूजा में सभी लोग बिजी होते हैं, तो मैंने तो थोड़ा बहुत ब्लॉग किया है बट एडिट करके पोस्ट नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा कि थोड़ा लेट करके अपलोड करूँगी, सभी लोग देखेंगे दुर्गा पूजा में मेरा ब्लॉग कौन देखेगा। तो जो भी है, आज सप्तमी पूजा का ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग तो देखा है पहले मैं दादा की आशीर्वाद, जो शादी डेट फिक्स हुई है दादा की और आशीर्वाद सेरेमनी हुई है बेंगुली रिचुअल में, तो वही सब मैंने शेयर किया है। दो दिन पहले हुए हैं तो इस सब में बिजी था कामकाज में, तो मैं थ्रेडिंग फेसियल ये सब कर नहीं पाया। और बारिश भी हो रही है दो तीन दिन से, तो ये सब करते करते टाइम निकला है और दुर्गा पूजा भी आ गए हैं। तो आज सप्तमी पूजा है तो मैंने सोचा कि थ्रेडिंग फेसियल आज ही कर लेती हूँ। माँ किचन पर है, खाना पका रही है, तो मेरा जो कामकाज था वो सब कर लिया था। और धूप भी निकला है आज, तो जब घर पर जो गीला कपड़ा था सब धूप में दे दिए हैं सूखने के लिए, तो मैंने थ्रेडिंग करके फेशियल भी कर लिया है। तो मेरा स्किन बहुत ही ग्लो कर रही है और सॉफ्ट भी लग रही है, तो मुझे अच्छा फील हो रही है। अभी मुझे लग रही है जब दुर्गा पूजा आई है, आज दुर्गा पूजा है। तो जो भी है, मैं दुर्गा पूजा की ब्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, देख लीजिए। मैं तैयार हो गई हूँ, माँ भी तैयार हो रही है, तो मेरे फ्रेंड की माँ सभी लोग एक साथ जाएंगे घूमने के लिए, तो आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो आप लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। आप लोग सोच रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ, तो बेंगली में बोल रही हूँ, तो बेंगली चैनल पर दिया है क्या बोल रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। जिसको भी बेंगली समझ में आते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रही थी, तो इसीलिए अब बोला नहीं क्या बोल रही हूँ। तो जो भी है, मैं आ गई हूँ हमारे यहाँ मंडप पर। तो आज थोड़ा लोग कम है क्योंकि आज फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे थोड़ा कम ही होते हैं, तो बाद में आएंगे, संध्या टाइम है तो घर में सभी लोगों का संध्या टाइम में बिजी होते हैं, काम काज ये सब तो होते हैं, चाय वगैरह ये सब बनाते हैं, तो सभी लोग अपना काम काज ख़त्म करके आएंगे संध्या आरती पर। तो आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूंगी। अब मैं घूमने के लिए जाऊंगी, तो मेरे एक फ्रेंड नगाँव घूमने के लिए गए हैं और एक फ्रेंड है उसके माँ, और जो फ्रेंड घूमने के लिए गए हैं उसका भी माँ आए हैं हमारे साथ। सो सभी लोग एक साथ आ गए हैं, तो हमारे जो फ्रेंड है फ्रेंड के घर पर आए हूँ अब फर्स्ट पूजा देखने के लिए। फर्स्ट पूजा हमारे यहाँ तो देखा है, तो सेकेंड पूजा बोल सकते हैं आप लोग। No.
टमटम करके देखा है पूजा, जो चार पूजा देखा है टमटम करके देखा है। तो देखने के बाद आ गए हैं हमारे यहाँ मंडप पर, सभी लोग थे, संध्या आरती भी हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर करती हूँ। देखने के बाद सभी लोग थे गांव के, तो सभी लोग एक साथ बोल रहे थे कि चलो और भी दो पूजा हमारे गांव पर ही हो रहे थे, गांव समझ सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, तो चलकर जाती हूँ। तो सभी लोग चलकर आ गए थे, तो सामने है चलकर तो आएंगे, तो मैं भी सोच रही थी कि चलकर ही जाती हूँ, क्योंकि टमटम करके तो घूम के आ गए हैं, क्योंकि मैंने तो नया हील्स पहनी है, तो चल पाती हूँ या नहीं तो चलकर देखती हूँ। तो चलकर आ गए हैं, तो आने के बाद मेरे पैरों की हालत आप लोगों को दिखाऊंगी बाद में, कैसा हुआ है मेरे पैरों की हालत। तो फर्स्ट पूजा आप लोग, तो दो पूजा एक साथ ही हो रहे, एक साथ नहीं थोड़े दूर दूर है हो रही है, तो गाँव ही समझ सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। तो फर्स्ट पूजा आप लोग ने देखा है, सेकंड पूजा में आ गए हूँ, आने के बाद यहाँ पर थोड़े टाइम बैठे हैं। बैठने के बाद मुझे उठने की मन नहीं कर रही, क्योंकि चल कर जब घर पर आऊँगी मैंने हालत इतनी ख़राब है, मैं चल कर कैसा हूँ, मैंने सोच रही थी, तो पहले मैं सोच रही थी कि ऐसे हील्स पहने हूँ तो थोड़ा चल कर देखती हूँ चल पाती या नहीं। अब ऐसा हालत ऐसा हुआ है कि मैं सोच रही हूँ मैं कैसे जाऊँ घर पर। तो सभी लोग आ रहे थे, तो मुझे भी आना ही था, तो मैं आ रही थी, तो मैं कैसे आया है मैंने आप लोगों को क्या बताऊँ। तो और एक गुड न्यूज है, हमारे यहाँ पर सामने ही है तो एक रेस्टोरेंट खुला है, तो एक दिन जाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट है। तो घर पर आने के बाद पैरों अच्छे से पैर को मैंने क्लीन किया है, तो क्लीन करने के बाद कोकोनट ऑयल लगा दिया है। देखिए मेरे पैरों की हालत, वीडियो थोड़ा ब्लर हो गया था इसलिए मैंने पिक्चर जो क्लिक किया था वो पिक्चर आप लोगों के साथ शेयर किया है, बहुत ही ख़राब हो गए हैं हालत, कल क्या होगा देखा जाएगा। तो आज का ब्लॉग मैं यहाँ पर रखती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।